नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है आपकी कहानी अनुभा की जुबानी में। दोस्तों, पेरेंटिंग आज जितना चुनौतीपूर्ण हो चुका है उतना शायद पहले कभी नहीं रहा। तो आज मैं एक लघु कथा के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ जो एक युवती के माँ के मनोभावों को दर्शाती है। तो कहानी का नाम है उड़ान। छवि को तैयार होते हुए देख सीमा के मन में ये घुमड़ रहा था, आज संडे को भी? उसने पूछा, आज संडे को कहाँ जा रही हो बेटा? छवि ने तमक कर कहा, क्या मॉम, आज एक संडे ही तो मिलता है अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने को। सीमा कहना चाहती थी, यही एक संडे तो मिलता है बेटा हमें अपने बच्चों के साथ दो बातें करने का, उनके साथ लंच करने का। लेकिन छवि का उपेक्षा भरा चेहरा देखकर कुछ कह ना पाई। छवि को उसने समझाया, ये समय तुम कैंपस की तैयारी के लिए उपयोग में ले आओ बेटा, अच्छी जॉब मिल जाएगी, दोस्तों के साथ दिन भर घूमना फिरना ये किस काम आएगा। छवि ने फिर से तेज आवाज में अपनी माँ को जवाब दिया, मेरे दोस्त फालतू नहीं है मॉम, और मुझे पता है कैसे तैयारी करनी है, आप अपनी सलाह अपने पास रखिए। और वह इतनी तेजी से अपनी स्कूटी स्टार्ट करके निकल गई कि सीमा बस पीछे खड़ी रह गई इन सवालों के साथ, कहाँ जा रही हो, कब तक लौटोगी। छवि आधे ही घंटे बाद हंसी ठट्ठा करते अपने दोस्तों के साथ बाजार में इधर उधर घूम रही थी। इस बीच उसने मॉम का 3 बार फोन काट दिया था। रात होते होते उसके एक दोस्त ने सुझाव दिया, चलो आज बाइक रेसिंग करते हैं, शहर के बाहर एक नई बिल्डिंग बन रही है, वहाँ सुनसान सड़क है, भीड़ भाड़ नहीं होती, ट्रैफिक नहीं होती, तो वहीं से शुरू करते हैं। सारे दोस्तों ने ये ऐसी रट लगा दी और छवि भी बहुत रोमांचित हो रही थी कि हर एक बाइक पर एक कपल होगा, कितना मज़ा आएगा। लेकिन साथ ही उसे अपने मॉम का भी ख्याल आया, उसे अपनी मॉम को भी इन्फॉर्म करना, सूचित करना उचित लगा। तो दोस्तों से थोड़ी दूरी बनाकर एक कोने में जाकर उसने मैसेज करने की सोचा, मैसेज कर देती हूँ, समय बचेगा। उसने जैसे ही अपना चैट बॉक्स खोला तो अपनी मॉम का एक वॉइस मैसेज देखा। उसने सोचा, सुन लेती हूँ पहले माँ ने क्या कहा है, फिर मैं मैसेज कर दूँगी। तो छवि की माँ का मैसेज कुछ इस प्रकार था, छवि मेरी प्यारी छवि, तुम तो हो मेरी ही छवि, क्या हुआ जो हो गई है अभी थोड़ी सी दूरी। ज़रूरत की बातें तो बहुत होती हैं बेटा, पर बातें हो नहीं पाती ज़रूरी, क्या हुआ तुम पास हो लेकिन साथ नहीं, क्या हुआ तुम पास हो लेकिन साथ नहीं, लेकिन हम दोनों एक दूसरे में घुले हैं ऐसे जैसे दिल में हो जज्बात घुले हुए। बेटा बस तुमसे इतना ही कहना है, जब घर लौटो बाहर ही छोड़ आओ अपने गुस्से की पुड़िया, बना लेना सेतु का संवाद जब भी मैं कुछ कहना चाहूँ तुमसे, ईयरफोन निकाल देना कान से, दुनिया में अपनी शामिल कर लेना या निकल आना अपनी दुनिया से बाहर। छवि मेरी प्यारी छवि, तुम तो हो मेरी ही छवि, अपना ध्यान रखना बेटा और घर जल्दी वापस आना। ये वॉइस मैसेज सुनते हुए छवि की आंखों से आंसू बह निकले, वह आत्मग्लानि से भर उठी। ये क्या कर रही थी वह, अपने ही मॉम की उपेक्षा? उसे अपनी मॉम की का चेहरा याद आ गया
और वह तुरंत अपनी माँ से कस कर अपनी माँ को कस कर गले लगाना चाह रही थी। उसने अपने दोस्तों से कहा, गाइस यू कैरी ऑन, मुझे एक अर्जेंट काम याद आ गया है, तुरंत घर जाना होगा। इससे पहले कि कोई कुछ कहता, छवि फिर हो चुकी थी। छवि एक नन्ही चिड़िया अपनी उड़ान की ऊर्जा इकट्ठा करने अपने नीड की ओर उड़ चुकी थी और रात के अंधेरे में चांद का उजाला चमकने लगा था। तो कैसी लगी आपको ये कहानी, कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों, और जुड़े रहिए इस साझा मंच से, आपकी कहानी अनुभव की ज़ुबानी। तो मिलते हैं फिर एक नई रचना के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।